अनुमंडलीय अस्पताल तेघरा में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसकी विधिवत शुरुआत अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर रामकृष्ण कुमार ने किया। बताते चलें कि वर्तमान समय में कैंसर एक भयावह और व्यापक रूप से व्यक्तियों को प्रभावित करने वाले रोग के रूप में सामने आ रही है। कैंसर का नाम सुनते ही लोगों का जहन कांप जाता है और उन्हें लगता है कि भला वो किस गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गए। अपने आप को वो कोसने लगते हैं, वो कहीं ना कहीं निम्न मानसिकता से ग्रसित हो जाते हैं और इसके बाद उनकी जान तक चली जाती है। इन तमाम चीज़ों के जागरूकता हेतु आज एक अद्वितीय प्रयास किया गया है, जिसमें भाभा कैंसर अनुसंधान सह हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर के डॉक्टर आयुषी एवं ANM स्नेहा और कल्पना ने आशा कार्यकर्ताओं एवं ANM तथा कैंप में पहुंचे लोगों को कैंसर की जानकारी दी, उनके जागरूकता का उपाय बताया। वहीं इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अनुमंडलीय अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रामकृष्ण कुमार ने कहा कि कैंसर लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज है और लोग इससे बच सकते हैं। बस मशक्क़त ये करना है कि समय रहते ही उसकी पहचान हो सके कि यह कैंसर है। अमूमन रूप से गले में, गुर्दा में या फिर चेहरे पर चकत्ता हो जाना, तिल जैसा छोटा छोटा मांस हो जाना या फिर अस्तन में गांठ का होना, अस्तन से खून का रिसाव होना, मासिक धर्म में बदलाव होना, ये सभी उसके निशानी हैं। आज 7 से 14 हम लोग नेशनल कैंसर अवेयरनेस दिवस मना रहे हैं, तो उसी के लिए आज के दिन हम लोगों ने PHC देखा है, यहाँ पे कैंप लगाया है स्क्रीनिंग के लिए और सारे कैंसर पेशेंट्स। अभी तक मरीज कितने आए हैं? टोटल मरीज बेगूसराय से 16 कंफर्म केस है, हाईली सस्पेक्टेड, तो मुझे लगता है 95 हो गए, और सिर्फ तेघरा से हमें कम से कम 4 से 5 मरीज कंफर्म भी हुआ है। हाँ सर, बहुत सारे मरीज यहाँ से कंफर्म हो गए, बहुत लोग का इलाज भी चल रहा है HBCHRC मुजफ्फरपुर। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर आयुषी है, मैं यहाँ मेडिकल ऑफिसर दरिका।